हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉन ट्यूटोरियल। मेरे चैनल का नाम स्टार ट्यूटोरियल है और मैं हूं जेसिका। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड के फंक्शनल कीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो है F1। हम F1 के बारे में जानते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम को अगर ओपन किए हुए हैं, उस पर कुछ काम कर रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारा हेल्प बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं F2 के बारे में। अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, हम उसको कुछ दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो अगर F2 प्रेस करते हैं तो हमारा जो है रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं F3 के बारे में। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ सर्च करना है जब, तो हम F3 अगर प्रेस करेंगे तो हमारा जो सर्च बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो फोर्थ है वो है F4। उसका काम ये है कि हमारे विंडोज़ पे जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसको क्लोज़ करना। पर अगर हम F4 को अल्ट के साथ प्रेस करते हैं तभी वो काम करता है। अगर हम उसको F4 के साथ प्रेस नहीं करते हैं तो वो वर्क नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं F5 के बारे में। F5 का काम है हमारे सिस्टम को रिफ्रेश करना, ताकि जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो जो स्लो चल रहे हैं वो आसानी से अच्छे से काम कर सके। अब हम बात करेंगे F6 के बारे में। F6 का काम यह है कि अगर हम ब्राउज़र पे कुछ काम कर रहे हैं और हमें अपना एड्रेस बार नहीं दिख रहा, अगर हम F6 को क्लिक करते हैं तो हमारा जो एड्रेस बार है वो हाईलाइट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं F7 के बारे में। जब हम कोई भी लेटर या कुछ लिख रहे होते हैं उस पर हमें अपना अगर स्पेलिंग चेक करना है या क्या गलत हुआ है वो चेक करना है, तो अगर हम F7 को क्लिक करते हैं तो हमारा स्पेलिंग, हमारा ग्रामर चेक हो जाता है और क्या रॉन्ग है वो भी पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं F8 के बारे में। इसका काम यह है कि जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो उस पर वो बूट मेनू को एक्टिव कर देता है। यह है F8 का काम। अब हम बात करते हैं F9 के बारे में। इसका काम यह है कि अगर कोई भी ईमेल को सेंड करना हो या व्यू करना हो तो हम आउटलुक में ही व्यू कर सकते हैं अगर हम F9 को प्रेस करते हैं। अब हम बात करते हैं F10 के बारे में। F10 का काम यह है कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हों तो हमारे मेनू बार को वो एक्टिव करता है, वो शो करता है। तो अब इसका दूसरा फंक्शन ये है कि अगर हम शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं तो वो हमारे राइट क्लिक जो है माउस का राइट क्लिक उसके तरह काम करता है। तो अब हम बात करते हैं F11 के बारे में। F11 का काम ये है कि अगर हम अपने एप्लीकेशन पे, अपने ब्राउज़र पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ वीडियो या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हमें अगर उसका फुल स्क्रीन करना है या फिर नॉर्मल स्क्रीन करना है, उसके लिए हम F11 प्रेस करते हैं, जिसके कारण से उसका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा भी करना है तो F11 ही प्रेस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे F12 के बारे में। F12 का काम यह है कि हम अगर माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी फाइल या फोल्डर को दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से, तो हम अगर F12 क्लिक करते हैं तो हमारा सेव किया हुआ पहले का फोल्डर दोबारा सेव करने के लिए एक ऑप्शन आता है, ताकि हम उसको दोबारा किसी नाम से सेव कर सकें किसी दूसरे लोकेशन पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।